दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो बच्चे मेरी फीस मुझे मत देना, खुश हो जाएंगे आप। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूं कि अगर तुम्हारी जॉब 5 लाख से ऊपर नहीं लगी तो फीस मत देना, तब आप खुश नहीं होंगे। तब आपको मुझ पर भरोसा होगा कि हाँ, इन्हीं से पढ़ना है, क्योंकि इनके पास वो काबिलियत है, ये जानते हैं कि मुझ में वो टैलेंट ये भर देंगे कूट कूट के, जिससे मेरी जॉब वाकई मैं कैपेबल बन पाऊँ उस 5 लाख रुपीज सैलरी का। अब आगे मैं आपसे बढ़ता हूँ कि क्या है ये चीज़ें। दोस्तों, जब से कोविड आया, लॉकडाउन शुरू हुआ, आपने देखा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ गया था। 23% इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका था। लगभग वो सभी जॉब जो सिर्फ डिपेंड थी ऑफलाइन पे, बिल्कुल बंद हो चुकी थी, कुछ नेसेसिटी चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि ग्रॉसरी शॉप, मेडिकल स्टोर, इन सब चीज़ों को छोड़ के सारी चीज़ें बंद थी। गारमेंट्स का काम, शॉपकीपर्स, जो टीचर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे, सब बंद। वही जॉब्स क्रिएटेड हैं जो डिजिटली हैं, वो लोग जो टेक में काम करते हैं, वो लोग जो वेबसाइट डेवलपमेंट में काम करते हैं, वो लोग जो एप्लीकेशंस के ऊपर काम करते हैं, इन्हीं की जॉब सिक्योर रही। इनफैक्ट और जॉब्स क्रिएट हो गई इन सभी प्रोफेशन में। सो ऐसे ही मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करूंगा वन ऑफ द मोस्ट, जो मेरा खुद का फेवरेट है, जिनके बारे में मुझे जान के बहुत अच्छा लगा, जब उनके स्टूडेंट्स के रिव्यू देखे मैंने, एलुमिनाई के रिव्यूज़ देखे मैंने, उनके जो लाइक इंस्ट्रक्टर हैं उनके बारे में देखा मैंने, तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। तो मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको मसई स्कूल से। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फोकस्ड है वो बच्चों को स्किल्स पे किया जाता है, कि आप अच्छे से स्किल्ड हों, क्योंकि आप जब तक अच्छे से स्किल्ड नहीं होंगे आपकी जॉब नहीं लगेगी। वो जॉब जहाँ पे एक्चुअली आपकी रिक्वायर्ड हो टेक फील्ड में, जहाँ पे आपका फ्यूचर दिखे, करियर पाथ दिखे, मसे इन चीज़ों पे काम करता है। आज मैं फुल डिटेल्ड करूँगा आपको थोड़ा सा इसके बारे में। तो सबसे पहले, जैसे ही अपनी वेबसाइट पे आते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे कोर्स का एक सेक्शन है। जब आप कोर्स पे जाएंगे तो पहला जो सेक्शन है वो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए इसमें करिकुलम एक्टिविटी क्या है कि इट जस्ट 30 वीक, उसके बाद आपको जॉब लगे। यानी कि ये जो कोर्स का करिकुलम है वो 30 वीक का कोर्स है, जिसमें सिखाया क्या क्या जाएगा, आपको जावास्क्रिप्ट सिखाया जाएगा, HTML सिखाया जाएगा, CSS सिखाया जाएगा, नोट सिखाया जाएगा, रिएक्ट सिखाया जाएगा, एक्सप्रेस, रिडक्स और MongoDB और भी जो एक्टिविटी होती है वेब डेवलपमेंट में, जो सारे कोर्सेस हैं, वो सब चीज़ें यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर हैं आपको बताएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि जो इनका जो करिकुलम है वो क्या है। पहली बात तो ये 4 जनवरी से शुरू हो रहा है और इसे आप ऑनलाइन करेंगे। तीसरा, फुल टाइम है आपको, जो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक क्लास चलेंगी, पूरी फुल टाइम क्लासेस हैं, जिसमें लंच ब्रेक होगा, बाकी सारी चीज़ें। क्योंकि यार बहुत कुछ सीखने के लिए ना, दो घंटे की क्लास लेके आप एक अच्छा लाइक डेवलपर तो नहीं बन सकते, तो फुल टाइम अपने को देना पड़ेगा, ये मैं खुद मानता हूँ। 30 वीक्स लगेंगे, उसके बाद जो है वो जो इनका प्रोग्राम है वो सारी चीज़ें आपको सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर सिखाया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि इनका जो कोर्स का करिकुलम है वो यूनिट वाइज चलता है, तो उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो प्रोग्राम्स है, क्या क्या सब्जेक्ट है, कब कब सिखाया जाएगा यूनिट वाइज, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इनकी मैंशन है। उसके बाद इनका जो सपोर्ट टीम है वो देखिए अपना टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिसमें लेक्चर, Q&A सेशंस, ये सारी चीज़ें हैं, करियर कोच है, टीचिंग असिस्टेंट है, इंस्ट्रक्शनल एसोसिएट है। साथ में जो सुबह 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक का जो लाइक इनका प्रोसेस है पूरा, और लास्ट 2 सालों में 150 से भी ज़्यादा ग्रेजुएट्स एक सक्सेसफुली हो चुके हैं, जो एक सक्सेसफुल करियर पाथ की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। और इनका जो करिकुलम है वो सुबह 9 बजे से आप देख पा रहे हैं कि मेडिटेशन का भी टाइम है इसमें मेंशन, फिर लंच ब्रेक है, सॉफ्ट स्किल की भी क्लासेस चलेंगी लाइव, सारा कुछ इनका एक सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक पूरा मेंशन है। फिर जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं वो आप देख सकते हैं कि जो CTO हैं मसई स्कूल के, वो IIT कानपुर से हैं, ये आपको पढ़ाते हैं, 10 ईयर का इनको एक्सपीरियंस है। फिर जो लाइक BIT से हैं, तो अगर ऐसे इंस्ट्रक्टर आपके पास हों तो ऑब्वियसली आपको कोई भी सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता। उसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है लाइक ट्यूशन फ़ी जो आप पे करेंगे, जो आप इस ISA इनकम शेयर एग्रीमेंट जो इनका बना हुआ है उसके थ्रू, जो कि अगर आपकी सैलरी 5 लाख से, यानी कि 5 लाख रुपीज़ पर NM से कम है तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर मिल जाता है तो आपको मैक्सिमम 3 लाख रुपये देने हैं, यानी कि आपकी सैलरी का 15%, मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा, वो भी इंक्लूडिंग GST, और 3 लाख रुपए का है। तो चलिए एक बार व्यू इनकम शेयर एग्रीमेंट पूरा डिटेल कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले पहला पॉइंट के अंडर में आता है अपना
कि आपको ये पैसे कब तक देने हैं, 36 मंथ तक देने हैं और अपनी सैलरी का 15%, राइट। उसके बाद मैक्सिमम कितना देना है, 3 लाख रुपीज़, वो भी इंक्लूडिंग 18% GST। और साथ में ध्यान रखिए, अगर आपको जॉब नहीं लगती है एक साल तक, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लीजिए क्लिक द एक्सपेंड पे कि सपोज दैट आपकी सैलरी लग गई भैया 5 लाख रुपये NM पे, ठीक है, तो उसका अगर आप लाइक डिवाइड करें मंथली वाइज तो बनता है 41,666.6, तो 7 हो गया, ठीक है। ये आपका पर मंथ का जो सैलरी बनती है, तो हर महीने इसका 15% आपको पे करना है जी हाँ। और जिस महीने आपकी सैलरी, मान लीजिए जैसे लॉकडाउन हुआ तो कंपनीज ने सैलरी ड्रॉप कर दी, तो उस महीने आपको बिल्कुल भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया है कि भैया अगर आपकी सैलरी 5 लाख से कम होती है, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, टोटल पेमेंट यू विल बी अंडर द ISA एग्रीमेंट। देखिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। अगर आपकी सैलरी 5 लाख से कम है, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेमेंट नहीं, कोई ड्यूरेशन नहीं, कोई टोटल पेमेंट नहीं जा रहा, लेकिन अगर 5 लाख है तो आपकी इनकम कितनी हो गई, 41,667, मंथली आपको देना है 15%, 6250, 36 मंथ तक देना है, टोटल पैसा 2,25,000 रुपये। अगर आपकी सैलरी 6 लाख है तो आपका मंथली जो है वो आपका 50,000 हो गया, आपको 7,500 देने हैं, ड्यूरेशन 36 मंथ, आपको 2,70,000 देने हैं। वैसे ही 10 लाख का है, वैसे ही 12 लाख का है कि अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए NM है तो आपको 1 लाख रुपए महीना हो गया, यानी कि 15,000 रुपए महीने आपको देने हैं और ड्यूरेशन जो है वो सिर्फ जो है वो 20 मंथ की है, क्योंकि थोड़ा सा ड्यूरेशन कम कर दिया गया है इसमें, और आपको टोटल 3 लाख रुपए देने हैं। तो आप सोचिए कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए होगी कब, आपको पहले स्टडी के दौरान कुछ भी नहीं देना है, ये एक बेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट थोड़ा सा और चल लेते हैं कि अगर आपने आप सोचा कि भाई मसई स्कूल जो है वो नहीं है आपके लिए, विड्रॉ करना चाहते हैं पढ़ने के दौरान, तो यूनिट 6 यूनिट में इसका सेगमेंट है, और जो है वो पहला यूनिट में अगर आप ड्रॉप करते हैं आपको कोई भी पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूनिट 2 तक आप पढ़ लेते हैं, इतनी पढ़ाई आप कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि अब नहीं पढ़ूंगा, तो आपको 50,000 रुपये देने होंगे, और यूनिट 3 तक पढ़ने के बाद सोचते हैं तो 1 लाख रुपये, और 4 तक पढ़ने के बाद सोच रहे हैं कि मैं छोड़ दूं तो 1.5 लाख रुपये, और 5th के बाद सोच रहे हैं तो भैया आपका पूरा जो है 100% रिस्पॉन्सिबल है आप पूरी पेमेंट करने के लिए, क्योंकि यार कोई पर्सन आपके पीछे इतनी मेहनत कर रहा है और आप उसको हल्के में ले रहे हैं, नहीं ना, आपको इतना समझ नहीं आ रहा, ठीक है भैया एक लाइक यूनिट 1 लो ना पूरा समझने के लिए, नहीं मजा आ रहा छोड़ देते हैं, और बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, मैं तो उसको सपोर्ट करता हूँ। और साथ में जो 5th पॉइंट है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो आपको अपनी जो है मंथली सैलरी स्लिप दिखानी होगी, एनुअल जो ITR है वो देना पड़ेगा, और कभी भी आपकी इनकम बढ़ती और घटती है तो वो आपको बताना होगा। तो ये हमने देख लिया जो है वो इनकम जो वो है इनका कि भाई आपको कैसे सैलरी का पे करना है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए सिंपल है, आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आपको जो है वो मसई स्कूल एडमिशन टेस्ट MSAT टेस्ट देना होगा, कंप्लीट द इंटरव्यू लाइक उसमें क्रैक करिए, और फिनिश जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी चीज़ आपको करनी पड़ेंगी। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि मसई स्कूल क्यों डिफरेंट है लाइक दूसरों से, तो मुझे एक लगता है कि इनकी जो स्किल फोकस ओरिएंटेड है भाई, लाइक जॉब के लिए रेडी कराना है ना, जो नए नए स्टार्टअप्स हैं उनकी तरफ लाइक रुझान डालना कि भाई लाइक इंडिया में हम किस तरीके से स्टार्टअप को अच्छे से ग्रो कर पाएँ। साथ में जो इनका ISA मॉडल है, इनकम शेयर एग्रीमेंट, ये बहुत ही लाइक एक डिफरेंट है बाकियों से, जो मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगा इनका। और जो इनका प्लेसमेंट रेट है वो मोर देन 85% है, और जो स्टूडेंट यहाँ से निकलते हैं वो स्टार्टअप्स में जाते हैं, और उनका जो एवरेज CTC है वो 6.75 लाख पर NM है। ट्रांसपेरेंसी इतनी बढ़िया है कि आप इनके एनुअलाइज से बात करते हैं, इनकी वेबसाइट पे सारे लिस्टेड है जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है कि आपको जॉब्स के बारे में बार बार बोला जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पे स्किल्ड दी जाती है कि आप वेब डेवलपर बने, आगे जाएं, अपनी काबिलियत से जॉब लें। हाँ, साथ में सॉफ्ट स्किल की 100 आर्ट्स की सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग्स, क्योंकि कई बार आप अच्छे डेवलपर हैं लेकिन आपको एक हायर पैकेज के लिए पॉलिशिंग बहुत ज़रूरी है, तो वो पॉलिशिंग आपके अंदर आनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है जिसे सॉफ्ट स्किल कहते हैं, कैसे अपनी जॉब्स लेनी है, कैसे बात करना है बिजनेस में, कंपनीज में टैकल कैसे करना है, सारी चीज़ों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इतनी सारी चीज़ों के लिए आपको पहले से कोई कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, तो ये जो प्रोग्राम है इसके लिए आपको कोई भी कोडिंग का एक्सपीरियंस पहले से नहीं होना चाहिए। और जो मेन बात है कि भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैं बता दूँ 18+ होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, और साथ में आपका जो लाइक अंडरस्टैंडिंग है वो इंग्लिश में होना चाहिए,
विलिंग टू वर्क हार्ड होना चाहिए, आप मेहनती तो होने ही चाहिए जब इतना आपको टाइम देना है यहाँ पे। और आपको टाइमिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रखनी है भैया, सुबह 9 बजे से ले रात को 9 बजे तक, 6 days ऑन अ वीक, क्योंकि ये मेहनत तो करनी पड़ेगी 30 वीक तक, नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा सर। उसके बाद सर्टिफिकेट भी मिलता है, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ कि सर्टिफिकेट्स ना यार धरे के धरे रह जाते हैं, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि स्किल्स सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, और वही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए। और आपको पता है कि सारा कुछ ऑनलाइन है, तो आपके पास लैपटॉप होना जरूरी है और एक इंटरनेट का एक अच्छा सा कनेक्शन आपके पास होना जरूरी है, ये सारे रिक्वायर्ड है। एक और डाउट होता है कि सर मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ डेवलपमेंट का कोर्स? तो मैं आपको बता दूँ कि दोस्त, मैंने कहा है कि कोडिंग की नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर डिज़ायर है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। वो सभी स्टूडेंट, चाहे वो आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, साइंस के हों, सभी कर सकते हैं। आपको प्रायर बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड रिक्वायर्ड नहीं है कोडिंग की, तो वो बच्चे जिनकी इच्छा है या फिर जो आर्ट्स के हैं, वो सभी इस कोर्स को कर सकते हैं। कि इस प्रोग्राम में ये है कि जो स्टूडेंट्स यानी कि यूनिट 1 में जब वो पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद जब यूनिट 2 में जा रहे होते हैं, तो उस दौरान अगर उनका अटेंडेंस बहुत अच्छा है ना, परफॉर्मेंस इन असाइनमेंट्स उनकी जो लाइक कंप्लीट है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट है, टीम वर्क अच्छा है, असाइनमेंट्स में स्कोर अच्छा है उनका, तो उन स्टूडेंट्स को जो है वो 15,000 रुपीज़ का लिविंग अलाउंस मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ये वो स्टूडेंट्स जब वो उनका जो इनकम शेयर एग्रीमेंट है उसमें जब वो उनकी जॉब्स लग जाती है, तो उनको फिर ये पैसे पे बैक यानी कि वापस करने हैं। तो बिटवीन द स्टडी यूनिट 2 में जब आप पढ़ रहे होंगे, तो वो स्टूडेंट जो परफॉर्मेंस स्टूडेंट है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको 15,000 रुपीज पर मंथ मिलता है। लेकिन उनको इनकम शेयर एग्रीमेंट के तहत उनको दोबारा से फिर जब जॉब लग जाती है, सैलरी मिल रही होती है, तब वापस भी करना होता है। तो दोस्तों एडमिशन्स ओपन है, इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को आपको छोड़ना नहीं है। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, जाइए जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। थैंक यू सो मच।